सो सोलर आज था मंडे मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ वो गैप डाउन क्यों ओपन हुआ सबको पता है कि ईरान और इसराइल का इशू चल रहा है अब ये जो आज का दिन था अगर आपने प्रॉपरली ध्यान दिया होगा कि पूरा कैलकुलेट करके अगर आप यहां पर देखोगे सैटरडे के दिन पे पूरा मूड माहौल ऐसे बना के रखा था कि बस मंडे मार्केट खुले और सेल करना है कहीं ना कहीं अटैक हो चुका है ये हो चुका है वो हो चुका है कंप्लीटली बेयर का जो हम लोग देख सकते लाइनिंग वगैरह बन चुका था और सब लोग रेडी थे लिटरली पुट को कोई कोई तो पुट ऑप्शन को पहले ही पकड़ते हुए बैठा होगा शायद से रैंडमली जिसने किया होगा फ्राइडे के दिन पे हमने देखा कि एफ वगैरह अच्छा खासा सेल करते हुए गए थे तो उन्होंने डाउन मिलते उन्होंने मजा किया होगा और प्रॉफिट वगैरह बुक किया होगा अब कल का दिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आफ्टरनून तक भी मूड वही था सेलिंग वाला और इवनिंग में हमने देखा कि इसराइल की न्यूज आने लगी कि उसका मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है फ्लैट टू पॉजिटिव आज मॉर्निंग में हम लोगों के इंडियन एनलिस्ट भी बोलने लगे कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा कोई दिक्कत नहीं है रिजनल कुछ नहीं करेगा और हुआ क्या मार्केट डाउन खुला गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा हल्का बुल्का एक डिप लगने के बाद अच्छा खासा कवर अप किया जो सोच भी रहा था सैलिंग करने के लिए उनसे एग्जिट करवाया उसके बाद स्लोली एंड स्टेडली स्टेप बाय स्टेप कोई पैनिक नहीं दिखा अपने वो मार्केट में और ऑब्वियस रीजन है कि हम इलेक्शन ईयर के अंदर तो पैनिक नहीं कर पाएंगे हम लोग मार्केट स्टेबली चलता रहेगा तो चलो अभी कल है ट्यूजडे बैंक निफ्टी की और फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी हाँ जी वेनेसडे के दिन पर रामनवनी की वजह से मार्केट हमारा बंद रहेगा तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी होने वाली वीकली वाली तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रेंड चेंज हो चुका है क्या यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर ओके डेटो यहां पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बॉस बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो मेजर ट्रेंड चेंज होने का पैनिक आता है बड़ी कैंडल्स वगैरह बनती है या ट्रेंड चेंज अब मेजर सपोर्ट जो आके खड़ा है वो कहां खड़ा है हम देखेंगे तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस ओके okay, अब यहां पर अपने क्लियरली दिख रहा है बॉस ये है हमारा सपोर्ट 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 और अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं ये जो लेवल निकल के आता है हमारा तकरीबन अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये ऑलमोस्ट 47,000 के आसपास नहीं लगे यहाँ के लेवल बैठता है ये वाला अगर उसको ब्रेक करता है तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ हमारा सपोर्ट लाइन टूट जाएगा दूसरा 47,000 सेवन राउंड नंबर है उसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं फिर नेक्स्ट जो है फिर फोर्टी सिक्स के आसपास है तो कहीं ना कहीं एक पैनिक आ सकता है यहाँ पर अगर वो 47,000 के नीचे एक बार डेली चार्ट को अंदर भी देखोगे क्लोजिंग देखा तो दिक्कत दे सकता है तो ये ध्यान रखना इस पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग निफ्टी की निफ्टी का क्या सिचुएशन है क्या निफ्टी ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक कर दिया गया तो इसका जो हम लोगों का सपोर्ट लेवल आके बैठा है वो आके बैठा है ये सपोर्ट है यहाँ से मार्केट ऊपर गया सपोर्ट ऊपर गया सपोर्ट ऊपर गया अब ये जो दोबारा लेवल है ये ट्वेंटी के आसपास है इसको ब्रेक करता है तो कहीं नहीं हम लोग यहाँ पर नीचे वाले सपोर्ट लेवल्स पर पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ये मेजर सपोर्ट लेवल्स बता रहा हूं मैं जहां पर डेली चार्ज पर जैसे अपसाइड जा रहा है इसको मैं भी ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ मैं आपको देखो मार्केट क्या करता है ये ये लो बनाया हाई बनाया हायर लो हायर हाई हाई लो हाई हाई ये अप ट्रेंड जा रहा है करेक्ट अभी चेंज कब होगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो ये चेंज हो जाएगा फिर हाई बन जाएगा लो बन जाएगा लो वा हाई लो वाह ट्रेंड चेंज हो जाएगा फिर राइट तो वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से कौन से लेवल्स हैं ताकि आप यहाँ पर ध्यान रख सको अब देखो ये कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है ये लेवल निकल के आ रहा है हमारा एक तो टेन नाइन सपोर्ट है साथ में जहां पर फंड निफ्ट निफ्टी ने इतना स्ट्रगल किया उसको ब्रेक करने के लिए ब्रेकआउट दिया उसके नीचे निकलता है ये कौन सा लेवल निकल रहा अपना? है अपना तकरीबन ट्वेंटी के आसपास है ये एक्चुअली है ट्वेंटी बट इसको मैं ट्वेंटी वन थाउजेंड पकड़ता हूँ क्यों क्योंकि राउंड नंबर भी है और इजी टू रिमेंबर भी रहेगा और यहां पर यह ट्वेंटी वन वाला ही जोन है अगर नीचे पकड़ते तो ट्वेंटी वाला निकलता है तो उसको हम ट्वेंटी वन पकड़ेंगे इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो कहीं ना कहीं पैनिक आ सकता है फंड निफ्टी के अंदर अच्छा खासा अपने को फिर नीचे की तरफ जाते हुए दिख सकता है फिर सपोर्ट वन सपोर्ट टू सपोर्ट थ्री के हिसाब से पर नीचे आ सकता है अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है तो चलो बड़े टाइम फ्रेम पे हो गया अब इंट्राडे के हिसाब से हम कैसे प्लान कर सकते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी फर्स्ट निफ्टी का हम कैसे देखेंगे तो निफ्टी का पहले हम लोग यहाँ पर अवली चार्ज के ऊपर आते हुए हम लोग यहां पर सपोर्ट ढूंढेंगे कि कहां सेलिंग कहां बाइंग करना है कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको अपने को फोकस करना है वो अपने को समझना पड़ेगा एक बार राइट तो हमने यहां पर क्या किया बॉटम से लेकर टॉप तक हमने यहां पर होना चुरा किया अब यहां पर ये वाला जो देखो वो ट्वेंटी थ्री रिस्पेक्ट नहीं हुआ थर्टी को ब्रेक करने के बाद उसी को रिजेक्शन ले रहा है क्योंकि थर्टी एट पॉइंट नहीं क्योंकि ये पुराना सपोर्ट था अब ये रिजेक्शन की तरह यहां पर काम कर रहा है तो अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो यहां है ये जोन के आसपास है ट्वेंटी वाला इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है यहां पर आके बैठा हुआ दैट इज ट्वेंटी टू वन थर्टी ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर लेट्स से कल फ्लैट खुलता है या इस लेवल्स पे आता है तो आप अगर सेलिंग का प्लान कर रहे हो और कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल है तो फंसने के चांस है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा ट्वेंटी टू टू फोर्टी एक सपोर्ट लेवल है तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग अवॉइड करेंगे लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रेक डाउन आता है इसके नीचे निकलता है सस्टेन करता है तो हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो ट्वेंटी टू वन थर्टी इसके नीचे कहीं ना कहीं फिर अगेन सेलिंग अपॉइंट मिल सकते या मैं यहां सेल करता हूँ इस लेवल पर ट्वेंटी टू वन थर्ट के आसपास हम लोग यहां पर टारगेट प्लान कर सकते हैं क्योंकि वो सपोर्ट लेवल है करेक्ट आई होप द पॉइंट इसके लिए बात करते कि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर के साइड में कि ऊपर रिजेक्शन लेवल्स कौन से यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर देखिए ये हम क्या करेंगे टॉप टू बॉटम हमने फिर बना शुरू हो गया ओके अब अगर आप यहां पर ध्यान दोगे ये वाला जो 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 मैंने आपको अभी मार्क करके बताया कि वहाँ से रिवर्सल वगैरह आ रहा है तो ये ट्वेंटी टू थ्री एटी बता रहा है बट इसको हम 22, 400 लोग ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड पकड़ेंगे थोड़ा सा ऊपर पकड़ेंगे हो सकता है यहाँ पर स्टॉप लॉ वगैरह किसी का पड़ा हो या थोड़े स्ट्रेड का पड़ा हो तो ट्वेंटी टू फोर का अगर यहाँ से अब मैं एक बार काम करता हूँ आपको मैं ड्राई करके दिखा देता हूँ ना ये देखो ये वाला जोन ठीक है तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्लैट या गैपअप खुलता है ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड इस लेवल रिजेक्शन वगैरह मिलता है तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं एक बार सेलॉन वाइज के हिसाब से अगर लेट से इसको क्रॉस कर देता है तो फिर इसका नेक्स्ट हर्डल जो है वो यहाँ है ट्वेंटी टू फोर सिक्सटी के आसपास करेक्ट अब यहां पर इसके बाद फिर कैसा है दूसरा जो रिजेक्शन लेवल है वो फिर ट्वेंटी टू फाइव ट्वेंटी है यहाँ पर दो चीजें एक लास्ट डे का क्लोजिंग मतलब ये फ्राइडे का क्लोजिंग हो गया साथ में फिफ्टी परसेंट वाला लेवल है ओके अब यहाँ से ट्रेंड चेंज कब होगा मतलब ये शॉर्ट टाइम पे पंद्रह मिनट के चार्ट पे, अपने कोई तो देखना लोवा हाई लोव लो लोवा हाई लोवर लो बन लो 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 रहा है ये ट्रेंड चेंज कब होगा चेंगे जब यह सिक्स वन एट लेवल तोड़ेगा मतलब कौन सा लेवल है ये ट्वेंटी टू सिक्स हंड्रेड वाला लेवल है यहाँ से हम लोग बाय 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 ऑन 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 डिप 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 कॉन्फिडेंस के साथ प्लान कर सकते हैं रेस्ट पर जो अगर हम लोग डबल बॉटम पैटर्न भी इसको अगर पकड़ते हैं और ये ब्रेकआउट भी देता है तो यहाँ पर टारगेट्स अपने छोटे छोटे होंगे ये छोटे छोटे टारगेट्स होंगे हमारे एक बार ट्वेंटी टू सिक्स हंड्रेड ब्रेक करता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई बन जाती है हम लोगों को फिर यहाँ से बड़े मूव कैप्चर करने को मिल सकते जिसमें सौ से डेढ़ सौ पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर हो सकता है तो ट्वेंटी टू सिक्स हंड्रेड इसको एज अ ट्रेंड चेंजर के हिसाब से अभी आप बोलोगे ट्वेंटी टू टू सेवेंटी सेवन चल रहा है तीन सौ साढ़े तीन सौ पॉइंट कर रहे हो तो डेफिट ट्रेंड चेंज की मैं बात कर रहा हूं पंद्रह मिनट के टाइम एक मिनट वाला चार्ट नहीं है, चार्ट नहीं है। चेंज पे कब जब प्रूफ कि बस यहाँ पर तो की आ गई छह वाला लेवल ब्रेक हुआ तो अपने थर्सडे के दिन पे बाँण दिप, बाँण दिप करते हुए उसके नीचे जब तक हम लोग हमको नाइस प्लान करना है उसके लिए दो से तीन लेवल डिस्कस किया जिसमें ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड ट्वेंटी टू आपका फोर लेवल है जो ट्वेंटी टू जिसमें हम लोगों के दो रीज है लास्ट डे क्लोजिंग फ्राइडे का क्लोजिंग हो गया एंड फिफ्टी परसेंट पर

थोड़ा सा मैं दस बीस पॉइंट बैंक निफ्टी है तो तीस चालीस पॉइंट अपने को ऊपर नीचे पकड़ना है मैं जान के थोड़े बहुत जो याद रहने वाले नंबर्स हो वो मैं यहाँ आप पर आपको ट्रिगर करवाता हूं बताता हूं ताकि आप भूलो नहीं इन पॉइंट्स को ठीक है फोर्टी सेवन ट्रिपल फोर वाला जोन है यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो एक बार बाउंस अपने को देखने के लिए मिल सकता है अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोगों का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है सीधा फोड़ो फोर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स जोन के आसपास ओके अगर हम बात करें रिवर्सल की ऊपर में ऊपर में अगर आता है फ्लैट या गैप अप खुलता है तो रिजेक्शन लेवल्स इसके कौन से हैं सपोर्ट हो गया आप रिजेक्शन लेवल्स की बात करेंगे तो देखो फ्लैट है कब खुलता है तो ये जोन पे यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है वाकई ने ब्रेक किया इसी जोन पे रिजेक्शन फेस करने की कोशिश कर रहा है और साथ में 23.6 परसेंट वाला अपना लेवल भी आता है तो ये कौन सा लेवल है एक्जैक्टली ये लेवल है हमारा फोर्टी सेवन फोर्टी सिक्सटी वाला फोर एट जीरो सिक्स फोर एट जीरो सिक्स जीरो ठीक है इसको ब्रेक करता है तो एक बार यहाँ पर जो सेलर्स खुलते हैं यहाँ पर सेल की तो एक बार अगेन आता है तो थोड़ा बहुत पैनिक यहाँ पर दिखाने की प्रॉबिलिटी जहाँ पर अपने वन शूट मिल सकता है जो किया फोर्टी एट टू फोर्टी अब उसके बाद इंटरेस्टिंगली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है फिफ्टी परसेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पर फिफ्टी परसेंट पर सिर्फ यहां पर फिबोनाची का लेवल है तो इसलिए मैं इसको कोई इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं दे रहा हूं ट्रेंड चेंज जो हो जाएगा वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा यहां इस जोन के बाद एट लेवल भी है यहाँ पर हर्डल भी है मार्केट के लिए अगर इसके ऊपर निकलता है मतलब फोर्टी एट थाउजेंड फाइव सिक्स को ध्यान रखना इसके ऊपर निकलता है तो बायोडे बायोम करते हुए ये वाला, ये वाला वाला लेवल कहीं निक मार्केट अचीव कर सकता है तो दिस इज द ट्रेंड चेंजिंग लेवल जब तक इसके नीचे है तो चाहे वो फिफ्टी हो चाहे थर्टी हो चाहे ट्वेंटी थ्री सेलोनवाइज वाले लेवल्स है तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा ओके बात करते हैं हम लोग फिन निफ्टी की तो फिन निफ्टी का जो ये अब

ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है ना साथ में ये कहीं ना कहीं अब इस बार ये 21,050 लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं 21,000 को डिफेंड भी करने के लिए खड़े रहेंगे ओके अब अगर इसके नीचे निकलता है तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत क्रिएट हो सकती है फिन निफ्टी के लिए क्योंकि ये बहुत क्रूशल लेवल है जहां पर बहुत बार फिन निफ्टी ने रिएक्ट किया है चाहे वो ऊपर से नीचे आया हो या नीचे से ऊपर आया हो ये हर्डल की तरह काम कर रहा है साथ में ही फिर राउंड नंबर भी कहीं ना कहीं नियर अबाउट है तो इसको ध्यान देना ट्वेंटी वन थाउजेंड फिफ्टी लेवल्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं इसके नीचे ब्रेक कर देता तो कहीं ना कहीं फिर एक डाउन ट्रेंड हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें फिर सीधा हम लोगों का नेक्स्ट यहां से अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहां नहीं है यहां कुछ भी नहीं है सीधा फिर वो ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स सिक्सटी वाला लेवल है एंड फिर नीचे वाला ट्वेंटी थाउजेंड तकरीबन फोर हंड्रेड वे जोन के आसपास कहीं नहीं कि फिर निफ्टी यहाँ पर आते हुए दिख सकता है ओके okay, तो इसको ध्यान रखना इस लेवल के आसपास आता है कुछ डबल बॉटम पैटर्न बोले हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो छोटे स्टॉप लॉस से हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं अब से कम मिनट अगर इसको लेट से इन केस में बोलता हूँ कि गैप डाउन से ब्रेक कर दिया तो एक बार को फिर ये लेवल्स को जरूर टेस्ट करने के लिए आएगा तो हम यहां पर फिर छोटे स्टॉप लॉस से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं सेल ऑन वाइज के हिसाब से अपना सेटअप यहां पर बन जाएगा तो इसको ध्यान रखना बिल्कुल भी मत भूलना ऐसा भी हो सकता है ये भी मैं आपको पॉइंट बता दूं कि इसी जोन के आसपास मतलब ट्वेंटी वाले जोन के आसपास बीस तीस पॉइंट बीस पच्चीस तीस पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे यहां पर साइडवेज होते हुए हो भी एक्सपायरी क्लोज करवा सकते हैं क्यों क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल है यहां पर बहुत लोगों की ध्यान होगी प्लस एक्सपायरी होने वाली कल इसकी तो वैसे भी वॉल्यूम ज्यादा होगा प्लस ट्वेंटी वन थाउंड राउंड नंबर है तो बहुत इन्वेस्टर्स बहुत ट्रेडर्स इसको डेफिनेटली क्लोजली वॉच करने वाले हैं तो ध्यान देना मोमेंटम बनता है कुछ लेट से गैप डाउन से उसने रिजेक्शन फेस किया या डबल बॉटम पैटर्न वगैरह कुछ बनाया बुले हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ बनाया तो उसको इंपॉर्टेंस हम देंगे तो उसको कंसिडर करेंगे कि चलो भाई अब डिफाइंड है कि यहाँ पर बुले हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है अपना ये एंट्री है ये स्टॉप लॉस है तो उस हिसाब से हम यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंस देते हुए काम करेंगे ट्वेंटी को ओके okay, बात करें हम ऊपर वाले लेवल्स कि इसके ऊपर वाले लेवल्स कौन से हैं जहां से मार्केट रिजेक्ट कर सकता है एक बार को वो कौन से लेवल्स निकलेंगे फिर निफ्टी के वो लेवल्स निकलेंगे हमारे एक तो देखो लेवल का सिंपल है यहां से हम लोग ये देखेंगे ये वाला लेवल ओके यहीं से इसने सपोर्ट लिया अच्छा खासा मोमेंटम यहां खुला गैप डाउन इसी जोन को रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे की तरफ निफ्टी आया अब दोबारा जब यहां आएगा तो एक बार फिर सेलर्स यहां पर इसको तंग करने वाले कौन सा लेवल है ट्वेंटी वन थाउजेंड टू एटी साथ में ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट वाला यहां पर लेवल बैठा है इसको ब्रेक करता है तो एक बार को वो पैनिक क्रिएट कर सकता है ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री सेवेंटी वाला लेवल अचीव करवा दे सकता है क्यों क्योंकि यहां पर देखो सेलर बैठा हुआ है यहाँ सेलेट बैठा हुआ है यहां इस जोन के आसपास आएगा तो एक बार जो यहां बैठा हुआ है यहां बैठा हुआ है तो उसको खींचने की कोशिश करनी चाहिए अगर मार्केट उसको खींच नहीं पा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये लोग खतरे में आएंगे तो ट्वेंटी वन, तुँँटी वन, तुँँटी वन को ब्रेक करता है तो फिर अपने को यहां पर नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल है वो सीधा ट्वेंटी वन लेवल के आसपास है उसके बाद फिफ्टी परसेंट पर कुछ है यहाँ पर कुछ नहीं है देखो यहाँ पर आपको कुछ सपोर्ट वगैरह कुछ भी प्रॉपर नहीं देखेगा फिर जो उसका इंपॉर्टेंट लेवल है वो वहाँ है वो यहां है सिक्स लेवल भी निकल के आता है साथ में अपना यहाँ पर गैफिलिंग के बाद अब जो सेलर्स यहाँ ऊपर बैठे हैं या लेट से जो इस जोन के आसपास सेल कर रहे हैं और मार्केट यहां क्रिएट हो रहा है मतलब यहाँ की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोग पैनिक करेंगे ज्यादा ज्यादा खींच खाच के वो लोग कहा यहां यहां या लेट से यहां तक अपना स्टॉप लॉर रखेंगे तो एक बार वो ट्वेंटी को निकालता है तो फिर कहीं ना कहीं नया टॉप बनने के लिए फिर निफ्टी यहाँ पर रेडी हो जाएगा तो इसको आपको एज एजन कंसडर करना है ट्रेंड चेंज आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पर 300 पॉइंट ऊपर साढ़े तीन पॉइंट ऊपर की बातें क्यों कर रहा हूं क्योंकि वो ट्रेंड चेंजिंग के लिए 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे वो ये जो लेवल है ये लेट्स से कल के लिए नहीं थर्सडे के लिए भी एप्लीकेबल होता है क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेंड चेंज की यहाँ पर बात कर रहा हूं आई होप द पॉइंट इज क्लियर अगर हम बात करें ऑप्शन चेन डेटा की एक बार वो भी देख लेंगे तो चलो ऑप्शन चेंज डेटा हम यहां पर देख लेते हैं हाँ uh, हम लोगों ने डिस्कस किया कि फिन निफ्टी पे ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव वन जीरो के आसपास करेक्ट तो ट्वेंटी वन थाउजें फाइव हंड्रेड वाला जो जोन जो है ट्रेंड चेंजिंग के लिए वहाँ पर आपको सिक्सटी थाउजंड ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है नीचे का जो हम लोगों ने डिस्कस किया ट्वेंटी वन थाउजेंड के आसपास पास ट्वेंटी वन थाउजेंड फिफ्टी वाला लेवल पर तो वहा वहाँ पर भी आपको देखो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है अब ये राउंड नंबर है राउंड नंबर होता तो फिर यहाँ पर कॉल साइड भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिखता प्रीमियम भी यहाँ पर अच्छा मिल रहा तो कहीं ना कहीं स्टेडल नहीं किया गया यहाँ पर पुट सेलिंग ज्यादा की गई है तो ट्वेंटी वन थाउजेंड पर अटैक होता है तो फिन निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम मोमेंटम करते हुए दिखा सकता है ओके इसके साथ साथ जो ये जो इन द मी में बैठे हुए हैं

तो हो सकता है कि जो ट्रेडर्स हैं ऑप्शन सेलर्स हैं उन्होंने ज्यादा रिस्क वगैरह नहीं लिया होगा अगर बैंक निफ्टी का आपको मैं डाटा दिखाऊंगा तो वहां पर आपको कॉल राइटिंग वगैरह दिखेगी ऑब्वियसली जब जिस दिन मार्केट गिरता है तो उस दिन कॉल राइटिंग की डेटा आपको ज्यादा दिखेगी दिखेगी बट यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो लोगों ने इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल्स पर यहाँ पर नहीं अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊँ एक बार कंपेयर कर लेते हैं देखिए बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको कॉल साइड पर आपको देखो धनाधन आपको डेटा दिखेगी ये देखो ढाई लाख ओपन इंटरेस्ट एक छब्बीस वन फोटी थ्री या आपको अच्छा खासा ओपन टू दिखेगा इसके पीछे के दो रीजन सिंपल है एक तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली तो रिस्क जो है ओवरनाइट वाला सिर्फ एक दिन के लिए दूसरा यहां पर क्या है अगर आप कंपेयर करके देखोगे निफ्टी के कम्पेरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत वॉलीटल होते हुए ज्यादा नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करें आज मॉर्निंग में भी एक के आसपास को समथिंग माइनस चलता था बट फिर भी बैंक निफ्टी कंटिन्यूस प्रेशर में चल रहा है तो इसमें इसलिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा यहां पर सेलिंग करने की कोशिश की निफ्टी को रिलयस संभालते हुए बैठा है तो कहीं ना कहीं वहां पर रिस्क लोग नहीं ले रहे हैं यहां पर आपको ज्यादा दिख रहा होगा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी के जो हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किए वो कौन से थे वो डिस्कस किया ट्रेंड चेंजिंग के लिए फॉर्टी एट थाउजंड फाइव हंड्रेड मतलब यहाँ फाइव सिक्सटी वन लेव था ये दो लाख पच्चीस हजार के आसपास आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोग पैनिक कर सकते हैं का जो हम लोग ने डिस्कस किया जो सपोर्ट लेवल है वो है हमारा फोर्टी सेवन ट्रिपल फोर के आसपास मतलब एक हंड्रेड वाला जोन पकड़ लेते हैं तो वहां पर भी आपको यहाँ पर एक लाख बाईस हजार के आसपास ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है अगर वो ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं फोर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स का नीचे का लेवल अचीव करते हुए दिखा सकता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर ओवरऑल मैं आपको समरी कि मेरा माइंड है यहाँ पर देखो जिस हिसाब से मार्केट अगर आप यहां पर ध्यान देते हो चार्ट के ऊपर थोड़ा बहुत देख रहे हो यहां अगर आप ध्यान दोगे तो निफ्टी क्या कर रहा है ना निफ्टी पहली बात डो सेल राई, सेल राई तो डो जोन सेलॉन राइ सेलॉन राइ तो सिस्टम चलाते हुए बैठा हुआ है हम लोगों का निफ्टी अब रिएक्ट कर रहा है हमारा मार्केट अब रिएक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आने के लिए और फिर वो ऐसा है कि अगर हम लोग पार्टी लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना तो लेट ज्वाइन करेंगे ना तो फिर हम पैनिक भी ज्यादा करेंगे और कहीं ना कहीं मोमेंटम डाउन से ज्यादा आएगा तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ना ये जब तक ब्रेक नहीं होते ना तब तक पॉसिबिलिटीज है कि हर जो सेलिंग है ना उसको बाय आउट किया जाएगा एक बार का थोड़ा बहुत शार्प मोमेंटम डाउन साइड अगर आप आज का सेलिंग भी देखोगे ना एक एक कैंडल देखो तीन मिनट का चार्ट दिखा दो ताकि आपको समझ में आ जाए कोई यहां पर आपको ऐसे बड़े कैंडल सेलिंग वाले ऐसा एकदम एक्सट्रीम वाला ऐसा नहीं दिखेगा हाँ थोड़े बहुत यहां पर आपको कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं बट ये शांत एक माइंड सेट से शांत लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए यहां पर दिख रहा है स्लोली इन ग्रेजुअली जैसा पैनिक वाला सिचुएशन होता है ना कि मार्केट वहां से ऊपर नीचे की तरफ आ रहा है कुछ अनसर्टनिटी हो सकती है तो अनसर्टनिटी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है मार्केट को बाय आउट करवा जा सकता है एज ऑफ नाउ क्योंकि इलेक्शन वाला ईयर है थोड़ा बहुत लेवल्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा लेवल्स पे आता है मोमेंटम होता है तो आपको कैप्चर करना नहीं होता है तो जैसे आज मेरा कुछ भी स्नैपर एंट्री नहीं हुआ फ्राइडे के दिन में भी नहीं हुआ तो मैं आराम से शांत करके बैठा हु लॉसेस है कोई दिक्कत की बात नहीं जब आएगा मोमेंटम जब ट्रेड मिलेगा तब आपको करना तो वही अगर आप लेवल्स के ऊपर करते हो सिस्टम बनता है डबल बॉटम पैटर्न बनता है बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो आपको काम करना पड़ेगा रैंडमली अगर आप बाइंग करोगे या रैंडमली सेलिंग करोगे तो पैसे इस मार्केट में डेफिनेटली फंसने के चांसेस हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग विल सी द नेक्स्ट वीडियो